अच्छा ये बताइए, रिकॉर्डिंग दिख रही है कि नहीं, हो रही है कि नहीं? जी अब मन पड़ रही हो रही है। तो पिछली वाली रिकॉर्डिंग आई कि नहीं आई? नहीं चलिए देखिएगा, नहीं आती है तो दोबारा फिर देखा जाएगा एक बार। चलिए, तो क्या था, पृथक्त से हमको देखना था। हमने आज पृथक्त तक पढ़ लिया था। पृथक्त किसे कहते हैं? पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम, पृथक व्यवहार का। जैसे ये पृथक है इस चीज से, जैसे पुस्तक है मोबाइल से पृथक है, तो ये पृथक का व्यवहार होता है, इसका असाधारण कारण वही होता है पृथक्त। मतलब पृथक्त के कारण ही हम दो चीजों को पृथक पृथक बोल पाते हैं। और ये पृथक्त दो प्रकार का होता है, एक पृथक्त और द्वि पृथक्त। एक पृथक्त जो होता है वह एक में अगर पृथक्त होगा तो एक पृथक्त होगा, और अगर दो में पृथक्त बताएंगे तो द्वि पृथक्त होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे समझ में नहीं आएगी। देखो ये एक चीज जी हो हाँ गई, ये दूसरी चीज हो गई। बताओ इन दोनों में पृथक तो है कि नहीं? जी है जी तो ये क्या हुआ, ये पृथक तो कौन सा पृथक तो हुआ, एक पृथक तो। और अगर हम कहें कि ये दो चीजें हो गई और इसके अतिरिक्त, दोबारा आ रही है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, इन दोनों, ये दोनों पृथक पृथक हैं कि नहीं? जी तो ये पृथक तो है, द्वि पृथक तो। अब इसमें जो है पहला वाला एक पृथक तो जो है वह आद्यम, पहला वाला मतलब एक पृथक तो नित्यगतम नित्यम, अगर नित्य के अंदर होगा तो नित्य होगा और अनित्य के अंदर होगा तो अनित्य होगा, लेकिन द्वि पृथक तो हमेशा अनित्य ही होता है। अब संयोग किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यवहार के हेतु को। देखो संयुक्त व्यवहार कब होता है, जैसे अपना हाथ कहीं पर संयुक्त कर दो, मतलब मिला दो, और फिर क्या कहोगे, जैसे हमारा हाथ इससे संयुक्त है, तो इस प्रकार का व्यवहार होता है। ये व्यवहार का कारण क्या है? इसका कारण है संयोग नाम का गुण। समझे कि नहीं? तो संयुक्त व्यवहार का हेतु जो गुण है, उसी गुण को क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। और ये संयोग द्वयाश्रय होता है। द्वयाश्रय का मतलब कम से कम दो पदार्थ में रहेगा। कम से कम संयोग किस में रहेगा? दो दो पदार्थ में रहेगा। पदार्थ में रहेगा, एक में संयोग नहीं होता। द्वयाश्रय मतलब दो में कम से कम रहता है। और दूसरी चीज है कि ये अव्याप्य वृत्ति होता है। अव्याप्य वृत्ति का मतलब जैसे सब जगह ना रहना। जैसे अगर हम अपना हाथ रखेंगे वृक्ष पर, तो क्या पूरे वृक्ष पर संयोग हो जाएगा? नहीं इसलिए हम कहते हैं इसको अव्याप्य वृत्ति। लेकिन एक बात बताओ, जैसे घड़े में रूप उत्पन्न होता है, तो क्या रूप घड़े के थोड़े से हिस्से में उत्पन्न होता है? नहीं पूरे में होता अच्छा, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो शब्द उत्पन्न हो रहा है, ये शब्द क्या पूरे आकाश में उत्पन्न हो रहा है? हाँ, नहीं। अंतर समझ गए कि नहीं? रूप अगर होगा तो पूरे में होगा, लेकिन शब्द होगा तो पूरे में नहीं होगा। जो पूरे में रहे उसको कहते हैं व्याप्य वृत्ति, और जो अधूरे में रहे, एक देश में रहे, एक टुकड़े में रहे, उसको कहते हैं अव्याप्य वृत्ति। तो संयोग क्या होता है? अव्याप्य वृत्ति होता है। ठीक है, और ये तीन प्रकार का होता है, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। देखिए अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज तीन प्रकार का होता है। कैसे? अन्यतर कर्मज में इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे कोई सेन मतलब बाज है, क्रियावता मतलब क्रिया वाला बाज है। आवाज आ रही है कि नहीं? जी स्पष्ट आ रही है। अच्छा एक मिनट। हाँ, जैसे एक तो क्रिया वाला कोई बाज है और एक कोई निष्क्रिय स्थाणु है। स्थाणु मतलब क्या होता है? वृक्ष छूट
और निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई क्रिया ना हो। क्रिया नहीं है जी। बात समझ में आ गई? जी एक मिनट। हाँ, क्या हुआ था? एक तो दो चीजें हो गई, कौन कौन सी? एक क्या हुआ? निष्क्रिय स्थाणु हुआ। निष्क्रिय स्थाणु समझे कि नहीं? मतलब बिना क्रिया वाला कोई ठूंठ, जी कोई खंभा, और उस पर क्या बैठा है? कोई क्रिया वाला बाज है। वो बैठा है मतलब उड़ करके आया और उस पर बैठ गया। तो जी बताओ यहाँ क्या, यहाँ पर बाज के कर्म से, बाज के येने के क्रिया से संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? जी जी क्या क्या दोनों ने क्रिया की? नहीं, केवल बाद में जी। इसलिए इसको कहते हैं अन्यतर कर्मज। अन्यतर का मतलब होता है जब दो में से कोई एक काम करे तब। तो अन्यतर मतलब दो में से कोई एक काम किया तो उसके कारण संयोग हो गया, तो ये अन्यतर कर्मज हुआ। जी उभय कर्मज का मतलब है जब दोनों काम करेंगे। अब उसका जी उदाहरण देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सेन की क्रिया जो है वो असमवाय कारण है, ये याद करने की जरूरत है। उभय कर्मज का उदाहरण देखिए। उभय कर्मज किसे कहते हैं? जैसे देखो, दो मल्ल, मल्ल मतलब क्या होता है? पहलवान। पहलवान तो दो लड़ाई करते हैं तो दोनों सक्रिय होते जी हैं, और जी सक्रिय होते हैं तो उनका संयोग होता है कि नहीं होता है? जी होता है तो वो संयोग क्या हुआ? दोनों के कर्म से उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? दोनों की क्रिया से, जी इसलिए वो कहा जाएगा उभय कर्मज। दूसरा भेद। और संयोगज संयोग कब होता है? देखो, जैसे अब यहां पर देखो, हस्त तरु संयोग से काय तरु का संयोग। देखो, हस्त मतलब होता है हाथ, तरु मतलब वृक्ष। हाथ को अगर वृक्ष पर रख दिया आप तो क्या होगा? हाथ और वृक्ष का संयोग हो गया कि नहीं? बोलो। क्या हुआ भाई? जी क्या समझे? हस्त और तरु का संयोग होगा, कैसे? संयोग जो होगा अगर हाथ को हम कहाँ रख देंगे? तरु तरु में, वृक्ष पर, तरु पर। हस्त पर को तरु पर अगर वृक्ष पर रख देंगे तो संयोग हो जाएगा दोनों का। और उसके संयोग जी से बताओ, हमारा शरीर का भी संयोग हो गया कि नहीं वृक्ष के साथ? जी हो गया जी जी मतलब हमको, हम शरीर को वृक्ष से चिपकाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं केवल नहीं हाथ रख दिया हमने वृक्ष पर, उसी से शरीर का भी हो गया कि नहीं वृक्ष के साथ संयोग? तो इस जी संयोग को हो गया कहते जी हैं संयोगज संयोग। यहाँ पर कारण और अकारण के संयोग से कार्य और अकार्य का संयोग होता है। कारण है हाथ और कार्य है शरीर, और अकारण है तरु, अकार्य है तरु। यहाँ हाथ का तरु के साथ में संयोग होने से हाथ से जो कार्य हुआ है मतलब शरीर हुआ है, उस शरीर का तरु के साथ संयोग हो जाता है। अब देखिए, विभाग किसे कहते हैं? तो विभक्त प्रत्यय का हेतु। विभक्त प्रत्यय मतलब होता है दोनों अलग अलग हैं, दोनों विभक्त हैं। विभक्त मतलब अलग हो। जिनमें विभाग हो गया है। इस प्रकार का जो विभक्त प्रत्यय मतलब ज्ञान, प्रत्यय माने ज्ञान ज्ञान, तो जो विभक्त का ज्ञान होता है, अलग अलग अलगाव का जो ज्ञान होता है, उसका कारण होता है वो विभाग होता है। और ये विभाग जो है पहले संयोग पूर्वक होता है। संयोग पूर्वक यानी इसके पहले संयोग, संयोग हुआ रहता है पूर्व में संयोग होना ही चाहिए तभी विभाग होगा। जी संयोग नहीं है तो जी विभाग नहीं होगा। और विभाग भी जी कम से कम कितने के अंदर रहता है? कम से कम द्व्याश्रय होता है। द्व्याश्रय अच्छा कम से कम विभाग भी। तो याद रखना, संयोग दो के अंदर होता है, जी विभाग दो के अंदर होता है, द्व्याश्रय होता है। जी और ये भी तीन प्रकार का है, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और विभागज। जी उदाहरण वही है, जैसे सेन मतलब बाज बैठा था, किस पर पहले आया? संयोग हुआ ना उस पर। स्थूणा मतलब क्रिया करके क्रिया क्या था? होता नहीं, स्थाणु, स्थाणु क्या था? खंभा। उस पर बैठ गया आकर के बाज, जी जी और बाद में उड़ गया। जब उड़ा जी तो क्या हुआ? विभाग हुआ कि नहीं हुआ स्थाणु का और सेन का? जी हो गया। अथवा शैल माने पत्थर इत्यादि पर, पर्वत पर चेन बैठा और बाद में उड़ गया, तो यहाँ विभाग हुआ। ये विभाग किसके किसके कारण हुआ?
सेन ने कार्य किया इसीलिए विभाग हुआ कि वहां पर स्थानों और जो है पर्वत भी उड़ रहा है क्या? नहीं, वो नहीं उड़ रहा। और दूसरा जैसे मल्लों का, तो मल्लों का विभाग होता है भाई, मल्लों का संयोग भी होता है पहले, विभाग भी होता है जी। तो दोनों की क्रिया के कारण होता है। हाथ तरु विभाग, जैसे हाथ तरु पर रखे थे उसको हटा दिए तो काय और तरु का विभाग हो गया, यानी शरीर और वृक्ष का विभाग हो गया ना जी। जी तो ये तीन प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखिए क्या है, दुत्वेच पाकजोत्पत्तौ विभागेच विभागजे यस्य स्खलिता बुद्धि स्तंभै वैशेषिकं विदुः। वैशेषिक किसे कहते हैं भाई? जो द्वित्व में कुछ अलग बात कहे, पाकज उत्पत्ति में कुछ अलग कहे, और विभागेच विभागेच विभागजे मतलब विभाग से उत्पन्न विभाग में जिसका कुछ अलग मत हो, उसी को क्या कहते हैं? वैशेषिक कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं जी? न्याय और वैशेषिक में यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है न्यायिक में, क्योंकि ये द्वित्व के विषय में इसका वैशेषिक का अलग मत है, अलग रास्ता पकड़ लिया। पाकज उत्पत्ति के विषय में, क्योंकि पाकज उत्पत्ति में ये क्या है, पीलू पाकवादी है कि पिटर पाकवादी है? वैशेषिक पिटर पीलू। अरे पिटर पीलू बोलोगे, दोनों थोड़ी बोलना है। वैशेषिक कौन पाकवादी है? वैशेषिक बोलो पीलू है और ये वैशेषिक। हाँ वैशेषिक पीलू पाकवादी है, मतलब परमाणु पर्यंत पकाता है। पता है वैशेषिक कहता है अगर आप घड़ा पका रहे हो तो पहले, पता है वैशेषिक कहता है पूरा घड़ा टूट जाएगा, वो तो टूट करके परमाणु बन जाएगा, तब पकेगा, फिर बाद में फिर जुड़ जाएगा। समझे कि नहीं? वैशेषिक क्या करता है? वैशेषिक कहता है पहले पूरा घड़ा टूट जाएगा, टूट टाट करके कुछ नहीं उसमें रह जाएगा, सिर्फ परमाणु परमाणु रहेंगे, फिर वो पकेंगे और पक करके बाद में नया नवीन हो करके फिर से वो जुड़ जाएंगे। समझे कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं होता है। न्यायिक कहता है देखो भाई ऐसी बात नहीं है, एक बार में ही सभी पकते हैं, पूरा अवयव अवयवी सब पकते हैं। ऐसा नहीं है कि अवयवी जो पूरा गड़ा है टूट टाट करके पहले परमाणु बन जाए और तब जा करके पके, ऐसा नहीं। परमाणु, हाँ पिठर मतलब अवयवी, पीलू माने परमाणु, पिठर माने अवयवी, पूरा संपूर्ण घड़ा एक साथ में पकेगा, घड़ा पकेगा, कपाल पकेगा, उसका जो त्रिणुक चतुर्णुक द्विणुक परमाणु सब पकेगा एक साथ में। ऐसा नहीं है पहले टूट टाट करके क्या हो जाएगा, सब परमाणु बन जाए तब जा करके पके, ऐसा नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो द्वित्व में, द्वित्व के विषय में भी इनका अलग अलग मत है। कोई द्वित्व की उत्पत्ति कई घंटे में करेगा, कोई जो है थोड़ी जल्दी करेगा, यही सब है। और पाकज उत्पत्ति, पाकज मतलब पीलू पाक और पिठर पाक, और विभागीच विभागज, ये विभागज विभाग भी ये वैशेषिक मानते हैं। इनकी इस मामले में बुद्धि स्खलित नहीं होती, मतलब ये जो है इसको मानते हैं, इसीलिए इनको हम वैशेषिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, दो चीजें हैं, परत्व और अपरत्व। तो परत्व और अपरत्व का मतलब भैया, परत्व देखो ये क्या होता है, हम कहें ये दूर है, ये पर है, ये अपर है, ये नजदीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इन सब व्यवहारों का असाधारण कारण क्या होता है? परत्व अपरत्व होता है। परत्व अपरत्व क्या होता है? पर और अपर व्यवहार का असाधारण कारण होता है। समझे कि नहीं? पर और अपर व्यवहार होता है ना, ये पर है, ये अपर है, ये दूर है, नजदीक है, बड़ा है, छोटा है, इन सब व्यवहारों का असाधारण कारण क्या होता है? परत्व अपरत्व। और दो प्रकार का होता है परत्व अपरत्व, एक दिक के दिशा के द्वारा किया गया, एक काल के द्वारा किया गया। ठीक है, दिशा के द्वारा कब होता है? जब दूरी, दूरी के बारे में कहते हैं, ये दूर है, ये नजदीक है, ये कौन सा परत्व अपरत्व है? ये दिशा के द्वारा किया गया है। और काल के द्वारा किया गया, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बात अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर परत्व अपरत्व कौन, किसने किया है? यहाँ काल के द्वारा किया गया परत्व अपरत्व, काल ने बनाया है। समझे कि नहीं? परत्व अपरत्व को कौन बनाता है? दिशा भी बनाती है और काल भी बनाता है। दिशा कहाँ पर बनाती है? जब हम ये दूर है नजदीक है ऐसा बोलते हैं तो वहां पर परत्व अपरत्व को कौन बनाता है? दिशा बनाती है। और जब हम कहते हैं ये बड़ा है ये छोटा है तो उस परत्व अपरत्व को कौन बनाता है? काल बनाता है। तो दो प्रकार का परत्व अपरत्व होता है, दिक्कृत और कालकृत। बात समझ में आ गई? ठीक
इनकी उत्पत्ति पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए गुरुत्व किसे कहते हैं, तो आद्य पतन का असमवायी कारण, आद्य पतन का असमवायी कारण, जैसे पेड़ पर आम लटका हुआ है और उस पर मृत पिंड का प्रहार करने से वो जब गिरेगा तो पहला पहला पतन होगा कि नहीं, पहले क्षण में? बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? अगर आ रही है तो कुछ बोल बोल दिया करो भाई। क्या आद्य पतन समझे कि नहीं? आद्य पतन नहीं समझ रहे हो? पहली जब लटका हुआ पहले क्षण में गिरेगा तो आद्य पतन, वही लटकी हुई चीज अगर पहले क्षण में जब गिरेगी तो वो आद्य पतन। उस आद्य पतन के असमवायी कारण को क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व, और गुरुत्व अतीन्द्रिय होता है। तीन चीजें अतीन्द्रिय बताई थी, कौन कौन सी? तीन नहीं, चार। कौन कौन सी? गुरुत्व और धर्म, अधर्म और भावना। भावना नाम का संस्कार, ये चार हैं। ये चार चीजें क्या होती हैं? असमवायी कारण, अतीन्द्रिय होती हैं। क्या होती हैं चार चीजें? अतीन्द्रिय मतलब इसको हम देख नहीं सकते, समझ गए कि नहीं? जी जी, इनको देख नहीं सकते। गुरुत्व को आप देख नहीं सकते, वेग को देख सकते हैं और सभी गुणों को देख सकते हैं, लेकिन इन चार को नहीं देख सकते, किसी भी इंद्रिय से नहीं देख सकते। सुख दुख इच्छा को देख सकते हैं, किससे? मन से। मनोग्राह्यम सुखम दुखम इच्छा द्वेषो मति कृति ही, लेकिन इनको किसी से नहीं देख सकते। ये अतीन्द्रिय होता है। और पृथ्वी, और कहाँ कहाँ रहता है भाई ये? पृथ्वी जल वृत्ति ही, वृत्ति पृथ्वी और जल में रहता है। गुरुत्व तो कहाँ रहता है? पृथ्वी और जल में। तेज में रहता है कि नहीं? तेज गिरता है ना नीचे? जी नहीं, तेज लपट भाई, लपट ऊपर की तरह, लपट समझ रहे हैं ना, जो शिखा दीप शिखा ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ? ऊपर जाती है। इसका मतलब उसके अंदर गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व होता तो नीचे ना जाती भाई। जी चलिए, संयोग वेग प्रयत्ना भावे सती गुरुत्वाद पतनम। देखो पतन तीन कारण चार कारण से हो सकता है, संयोग वेग प्रयत्न और गुरुत्व। बात समझ में आई कि नहीं? जी। लेकिन जब ना संयोग हो ना वेग हो ना प्रयत्न हो फिर भी पतन देखा जाता है। जी बात समझ में आई कि नहीं? जी। अगर संयोग से पतन हो सकता है, वेग से भी पतन होता है, प्रयत्न अगर करोगे तो भी पतन होगा, लेकिन इनके न रहने पर भी गुरुत्वात गुरु मतलब गुरुत्व के द्वारा पतन वहां पर देखा जाता है, ये कहा भी गया है। चलिए अब द्रवत्व क्या है? तो भैया गुरुत्व द्रवत्व में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये भी असमवायी कारण है, वो भी असमवायी कारण है। इसका असमवायी कारण है। तो जैसे घड़े के अंदर जल भरा हुआ है, घड़े को फोड़ दिया तो जल बहेगा कि नहीं? बहेगा। तो पहले क्षण में बहेगा, जब देखो दूसरे क्षण वाले की बात नहीं कर रहे हैं, पहले पहले क्षण में जब बहेगा तो उसका असमवायी कारण कौन होगा? द्रवत्व। समझे कि नहीं? अगर घड़े को फोड़ा, उसके अंदर जल है और वो बहेगा, तो पहले पहले क्षण में जब बहेगा ना, उसका असमवायी कारण होगा द्रवत्व। आद्य सिंदन कहते हैं पहले क्षण में बहने को, आद्य सिंदन कहेंगे, और उसका असमवायी कारण होता है द्रवत्व। और द्रवत्व किसके किसके अंदर रहता है? भू तेज जल वृत्ति, पृथ्वी तेज और जल में। समझे कि नहीं? ये तीनों चीजें पिघल करके बहती हैं। जमीन देखो पिघला करके बहाए हो कि नहीं बहाए? बहाए हो ना। जी बोलो बोलो। और तेज तेज भी बताओ पिघला करके बहाए हो कि नहीं बहाए हो? हाँ जी। जल तो बहता देखा ही है, कोई बात ही नहीं। तो देखो भू को कहाँ पर बहाए हो? घी में, जैसे घी है ना जी, दोहा घृत 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 तो क्या है? भू है, भू मतलब पृथ्वी है, और उसको क्या कर दिए? पिघला दिए, पिघला करके बहा दिए, तो बहा दिए तो उसके अंदर आ गया द्रवत्व। तो आगे चलते हैं, और सुवर्ण, सुवर्ण क्या है? तेज है, तेज
तो तेज है भैया सुवर्ण, और अगर उसको पिघला करके बहाते हैं कि नहीं बहा सकते, इसलिए उसके अंदर द्रवत्व है। लेकिन इनको पिघलाना पड़ता है, पिघलाने के लिए अग्नि का संयोग, अग्नि का संयोग निमित्त चाहिए, अग्नि का संयोग निमित्त चाहिए, इसलिए ये द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व होता है इसके अंदर। जमीन के अंदर और तेज के अंदर कौन सा होता है? नैमित्तिक द्रवत्व होता है, नैमित्तिक द्रवत्व। लेकिन जल में नैसर्गिक द्रवत्व होता है। जी, जल में कैसा होता है? नैसर्गिक। हाँ, सांसिद्धिक और नैसर्गिक एक ही बात होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? स्नेहा चिकनता, चिकनाई को ही क्या कहते हैं? स्नेह। और जिसके द्वारा क्या होता है? चूर्णादि पिंडी भाव। चूर्णादि का क्या हो जाता है? पिंडी भाव हो जाता है। अरे चूर्ण को नहीं, आटा को, आटा गूंथ जाता है जिसके द्वारा, वही क्या होता है? स्नेह होता है। और स्नेह किधर रहता है? जल मात्र वृत्ति, जल के अंदर ही रहता है। और भी कहीं रहता है क्या स्नेह? और भैया ये स्नेह जो है ना, पूरे जल में रहता है कि जल के थोड़े से हिस्से में रहता है? बोलो बोलो। और रूप, रूप, रूप पूरे पृथ्वी में रहता है या थोड़ी बहुत पृथ्वी में रहता है? पूरे पृथ्वी में। शब्द, शब्द पूरे आकाश में रहता है या फिर थोड़े बहुत आकाश में रहता है? पूरे आकाश में। पूरे आकाश में रहता है। पूरे आकाश में, पूरे आकाश में नहीं रहता है। कर्ण शुष्कुल्य वच्छिन्न में रहता है। अरे कर्ण शुष्कुल्य वच्छिन्न में नहीं यार, जहाँ मैं बोल रहा हूँ इस आकाश में तो है, लेकिन जहाँ पर शब्द नहीं हो रहा है इसे आकाश में थोड़ा ही है शब्द, जगह थोड़े शब्द होता है। अरे आकाश तो बहुत बड़ा है भाई, पूरे आकाश में रहता है क्या शब्द? नहीं 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 रहता है पूरे आकाश में, नहीं रहता है। और ज्ञान, ज्ञान पूरे आत्मा में रहता है क्या? नहीं रहता। नहीं नहीं रहता, हमारे शरीर के अंदर वाली आत्मा में ही ज्ञान रहता है जी। आत्मा तो हमारी बहुत बड़ी है, आकाश जितनी बड़ी आत्मा है जी। जी जलमात्र वृत्ति होता है इसने कारण गुण पूर्वक गुरुत्वाधिपत यावत द्रव्य भावी। कारण गुण पूर्वक होता है। भैया म्यूट कर लीजिए। चलिए, कारण गुण पूर्वक होता है। कारण गुण, चलिए कारण गुण पूर्वक होता है। कारण गुण पूर्वक होता है मतलब कि अगर कारण में स्नेह रहेगा तो कार्य में भी स्नेह रहेगा, कारण में स्नेह रहेगा तो कार्य में भी स्नेह रहेगा। जैसे कार्य कारण ये कहाँ से आ गया? जैसे परमाणु में रहेगा तो धनुक में, धनुक में रहेगा तो त्रिणुक में, त्रिणुक में रहेगा तो चतुर्णुक में रहेगा, समझे कि नहीं? और ये गुरुत्वाधिपत, जैसे गुरुत्व इत्यादि पहले गुण बता चुके हैं ना, ये सब यावत द्रव्य भावी होते हैं। यावत द्रव्य भावी मतलब पूरे पूरे द्रव्य में रहते हैं, पूरे द्रव्य में रहते हैं। गुरुत्व ऐसा थोड़े है कि थोड़े से हिस्से में गुरुत्व रहेगा और बचे में, बचे हिस्से में नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है, पूरे हिस्से में रहता है। अच्छा, शब्द, शब्द जो है स्रोत्र से ग्राह्य होता है। शब्द किससे ग्राह्य होता है? स्रोत्र से ग्राह्य। और ये एक गुण है, और ये आकाश का क्या है? विशेष गुण है। हाँ भाई, अब देखो कह रहे हैं कि कथम अस्ति स्रोत्रेण ग्रहणम्। भैया म्यूट कर लीजिए। कथम अस्ति स्रोत्रेण ग्रहणम्, इस शब्द का स्रोत्र के द्वारा ग्रहण कैसे होता है, ये प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया कि इस शब्द का स्रोत्र, स्रोत्र मतलब होता है जो कान है ना, उसके अंदर वाला जो आकाश, उसके द्वारा शब्द का ग्रहण कैसे होता है, तो बता रहे हैं। देखो, जैसे भेरियादि देशे शब्दों जायते, जैसे क्या होता है ना, एक तालाब हो गया, और अगर किसी ने क्या किया, यहाँ पर मिट्टी का पिंड फेंका, तो क्या होगा? तरंग उठेगी और ऐसे 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 वो पूरे तालाब में व्याप्त कर लेती है कि नहीं, पूरे तालाब को?
जैसे तरंग उठती चली जाती है, देखा है ना, और नई नई तरंगों को उत्पन्न करती जाती है। एक तरंग अपने पहले तो नष्ट हो जाएगी और अगली तरंग को उत्पन्न कर देगी, ये प्रक्रिया रहती है। तो इसी को कहते हैं बीची तरंगन न्याय, इसी को क्या कहते हैं, बीची तरंगन न्याय। ऐसे शब्द अगर यहाँ पर उत्पन्न हुआ तो ये तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आगे एक शब्द को उत्पन्न कर देगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा, आगे एक शब्द को उत्पन्न करेगा, ऐसे ऐसे करते हुए शब्द को उत्पन्न करता जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं जी? और क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर शब्द हुआ, यहाँ पर किसी का क्या है, मुख है। ये मुख कैसे बनता है भाई, पता नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो एक शब्द इसने बोला, ये शब्द बोला, अब ये शब्द क्या करेगा, इसे 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 चलता जाएगा। और किसी का क्या है, कान है। कान कैसे बनता है पता नहीं, इसे भी बनता हूँ, ये कान बन गया मान लो। अब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा शब्द, और इसके कर्ण देश में पहुंच गया, ठीक है। तो कान के अंदर जो आकाश है, जब वहां पर शब्द पहुंच जाएगा तो उसको ग्रहण कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई जी? भेरियादि देश में शब्द उत्पन्न होता है, भेरी जहां बजा दी तो शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द वहां है। और स्रोत्र जो है वो तो पुरुष देश में है, जहां पर पुरुष है वहां स्रोत्र है। तो कहते हैं ठीक बात है, भेरी देश में जो जाता शब्द है, उत्पन्न शब्द है, वो बीची तरंगन न्याय से, वो यही इस प्रकार से चलता 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 भेरी यहाँ पर बजी है, कान यहाँ पर है, लेकिन शब्द तो क्या है, चल रहा है चल रहा है। बात समझ में है कि नहीं? बीची तरंगन न्याय से जब चल रहा है तो पहुंच जाएगा कान तक, कोई समस्या थोड़े आएगी। बीची तरंगन न्याय से, बीची तरंगन न्याय समझे कि नहीं? जब पानी में कोई ढेला फेंकते हैं तो जो तरंगे लगातार उत्पन्न होती चली जाती है, उसी प्रकार से शब्द चलता है। और अथवा कदम मुकुल न्याय, ये कदम मुकुल क्या होता है भाई, कदम का कोई फूल है उसमें मुकुल, मुकुल यानी कुडमल होते हैं कुछ, क्या बोलते हैं, अब जो भी है वो आप देख करके समझ लीजिएगा। तो हाँ, कोरोना में जो नहीं निकलते निकले थे क्या? अरे ये इसे इसे उसके निकले थे ना कुछ, क्या इनको क्या बोलते हैं यार, पंखुड़ी यही होते हैं, हाँ वही यही, इन्हीं को निकले हुए हैं, हाँ इन्हीं को कुडमल कहते हैं, इन्हीं को मुकुल कहते हैं, समझे कि नहीं? कान खजूरा, कान खजूरा कदम वृक्ष है, फूल है। अरे ये कोरोना हो गया उसके अरे कुछ निकले होते हैं, अब जो भी है इनको, अभी इनको मुझे पुष्प में पता है, मैं पढ़ा हूँ ग्रंथों में, कुडमल कुडमल कदम मैंने खाया भी है महोदय, बढ़िया है, उसमें मुकुल या कुडमल होते हैं वही समझ लो, और वो भी इसी प्रकार से चारों तरफ निकले रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से शब्द भी क्या होता है, चारों तरफ उत्पन्न होता जाता है, ठीक है, ऐसे शब्द भी चारों तरफ उत्पन्न होता चला जाता है। जैसे मैं शब्द बोला तो पहले बोलूंगा तो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा, अगले को उत्पन्न करेगा, फिर नष्ट हो जाएगा, अगले को उत्पन्न करेगा, शब्द के विषय में ये प्रक्रिया रहती है। चलिए, सन्निहितम शब्दांतरम, अगले शब्दांतर को आरभते यानी उत्पन्न कर देता है। सच शब्द, वो शब्द और शब्दांतर अगले शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। तो क्रम से श्रोत्र देश में यानी कि कान में जाता है, मतलब उत्पन्न हो गया जो अंतिम शब्द है, वह श्रोत्र के द्वारा यानी कि कान के अंदर जो आकाश है उसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। आद्य और मध्यम, जो पहले पहले उत्पन्न हुआ था, जो बीच में उत्पन्न हुआ था, वो नहीं ग्रहण ग्रहण होता, उसका ग्रहण नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो कान तक पहुंच गया उसका ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से वंशे पाट्य माने, जब बांस को फाड़ते हैं तो दलद्वय विभाग, वहां पर जब उनको फाड़ेंगे तो दोनों दलों का विभाग होगा, तो उस देश में उत्पन्न जो शब्द है वो अन्य शब्द को फिर जो शब्द है अन्य शब्द को, इस प्रकार से क्रम से श्रोत्र देश माने कान के अंदर तक शब्द पहुंच जाता है और अंतिम शब्द को उत्पन्न करता है। वही अंतिम शब्द श्रोत्र के द्वारा श्रोत्रेण गृह्यते, श्रोत्र के द्वारा उसका ज्ञान होता है। पहले न आद्यो न मध्यमा, पहले शब्द का और मध्यम शब्द का ज्ञान नहीं होता है। तो कहते हैं एक बात बताओ, हम तो कहते हैं भेरी शब्दो मया श्रुतः, क्या कहते हैं
बोलो बोलो क्या कहते हैं श्रुतः ढेरी शब्दों मया श्रुतः एक सेकंड में बट अच्छा भेरी शब्दों मया श्रुतः ठीक है भाई कदम्ब का फूल भेज दिया गया है आप लोग व्हाट्सएप पर देख लीजिएगा देख लिया चलिए तो भेरी शब्दों मया श्रुतः भाई मैंने तो भेरी का शब्द सुना है ये तो गलत बात है भेरी का जो शब्द था वो थोड़ा ही सुना है मैं तो अपने कान के अंदर वाला सुना है ना जो कान के अंदर तक आ गया था उत्पन्न होते होते नया शब्द उत्पन्न होता होता कान के अंदर जो आ गया उसको सुना या भेरी शब्द को सुना बताओ नया शब्द भेरी भेरी शब्दों मया श्रुतः ये मति जो होती है ये तो भ्रांत मति है क्या है ये भ्रांत मति भ्रांत मति है हाँ भ्रांति है भ्रम है ये तो अब ये इसमें असंभावी कारण क्या है निमित्त कारण क्या है असंभावी कारण क्या है निमित्त कारण क्या है ये बता रहे हैं भेरी और आकाश का संयोग असंभावी कारण है भेरी शब्द की उत्पत्ति में भेरी और दंड का संयोग जो होता है वो निमित्त कारण है वंश पाटन यानी जब बांस को फाड़ते हैं तो वहां चटचटा शब्द की उत्पत्ति होती है उसमें जो वंश दल का और आकाश का विभाग वो असंभावी कारण है और दो दलों का विभाग निमित्त कारण है और याद रखना शब्द का समवायी कारण इन्होंने बताया है क्या असंभावी कारण बोला निमित्त कारण बोला असंभावी कारण बोला निमित्त कारण बोला समवायी कारण बताया क्या नहीं बताया क्यों नहीं बताया क्योंकि समवायी कारण हमेशा आकाश ही होता है जी शब्द का समवायी कारण हमेशा गुणवणे न हो जी आकाश ही होता है आद्या शब्द पहला शब्द संयोगज भी होता है और विभागज भी होता है जैसे बांस फटेगा तो वहां पर क्या होगा विभागज होगा शब्द और जो पहले शब्द था जो भेरी और दंड के संयोग से होगा वो संयोगज शब्द होगा बांस फटने से होगा वो विभागज होगा बात समझ में आ गई कि नहीं जी और अंतिम और मध्यम जो शब्द होंगे वो शब्द से उत्पन्न होंगे किससे होंगे शब्द से शब्द होंगे शब्द संयोग से भी शब्द होता है विभाग से भी शब्द होता है और शब्द से भी शब्द होता है उत्पन्न होता है अब यहाँ पर इन्होंने कुछ और चर्चा की है इसको हम अभी नहीं देखेंगे शब्द का विनाशित तो बताया है शब्द किस प्रकार से नाश होता है सुंदोपसुंदन न्याय से होता है अंतिम वाला शब्द सुंदोपसुंदन न्याय पता है ना सुंद ने उपसुंद को उपसुंद ने सुंद को मार डाला जी आपस में लड़के मर जाते हैं ऐसे ही अंतिम शब्द जो है ना उसका विनाश बताते हैं कि कुंदो कुसुंदन न्याय से होता है तो ऐसी बात नहीं है तो ये कुछ बातें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी छोड़ दीजिए चलिए शब्द शब्द के बाद बुद्धि बुद्धि किसे कहते हैं अर्थ प्रकाशो बुद्धि नित्या ये क्या लिखा है भाई आगे का गायब है कोई बताए अनित्या हो किताब लेकर कोई नहीं रखता है क्या है मेरे पास है पर बंद है जी कौन कहा भैया मेरे पास है अनमोल पर बंद है भाई कोई किताब लेकर के बैठा है कि नहीं ये बताओ मेरे पास है तो किताब बताओ फिर खोल करके क्या हुआ क्या नहीं एक आज का बहुत भयंकर आज चलिए मिल गया देखिए नित्य अनित्य चा नित्य होती है और अनित्य होती है कौन सी नित्य है कौन सी अनित्य है यही बताया ऐशी बुद्धि ही नित्य ऐशी ऐशी मतलब ईश्वर की ईश्वर से ऐशी मानी ईश्वर की बुद्धि क्या होती है नित्य ऐसी बुद्धि ऐसी मतलब ईश्वर संबंधिनी बुद्धि नित्य होती है और अन्य दिया मतलब मनुष्य की क्या होती है बुद्धि अनित्य होती है और अर्थ के प्रकाश को ही बुद्धि कहते हैं बुद्धि मतलब किसी भी पदार्थ का प्रकाश हो जाना यही बुद्धि प्रकाश करना सुख किसे कहते हैं प्रीति को ही
सुख कहते हैं, सुख कहते हैं। सुख, सुख क्या है? प्रीति। और सर्वात्मनाम अनुकूल वेदनीयम, जो सबको अपने अनुकूल लगे। सर्वात्मनाम अनुकूल वेदनीयम, जो चीज सभी को क्या लगे? अपने अनुकूल लगे, वही क्या है? सुख है। और पीड़ा मतलब दुख, दुख मतलब पीड़ा, समझ गए कि नहीं? दुख और पीड़ा दोनों पर्यायवाची हैं। किसे कहते हैं पीड़ा और किसे कहते हैं दुख? तो सर्वात्मनाम प्रतिकूल वेदनीयम, जो सबको क्या लगे? प्रतिकूल लगे सबको, जो प्रतिकूल लगे, जिसको कोई ना चाहे, वही क्या है? दुख है, पीड़ा है। राग मतलब इच्छा, राग माने इच्छा। हाँ, राग है इच्छा। समझे, इच्छा का मतलब क्या होता है? राग। अगर राग शब्द आ जाए तो उसका मतलब क्या समझना? इच्छा समझना। द्वेष आ जाए तो उसका मतलब क्या समझना? क्रोध समझना। उत्साह का मतलब प्रयत्न समझना। अगर हम आपसे कहें प्रयत्न, तो आप समझिए उत्साह की बात चल रही है। और ये छह कौन कौन? बुद्धि आदि छह कौन कौन से? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। प्रयत्न इनका क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष, मन के द्वारा इनको देखा जा सकता है। मन के द्वारा इनको देखा जा सकता है। समझ आ गया ना? जी। अब है धर्म और अधर्म। क्या है? धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। तो सुख का असाधारण कारण क्या है? सुख का धर्म, धर्म। अरे धर्म करोगे तो सुख मिलेगा, अधर्म करोगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी, सुख जी, का असाधारण कारण क्या है? धर्म। दुख का असाधारण कारण अधर्म है। सुख और दुख के असाधारण कारण को ही क्या कहते हैं? धर्म और अधर्म कहते हैं। तौ च अप्रत्यक्षौ, ये क्या है भाई? अप्रत्यक्ष है मतलब अतीन्द्रिय है। क्या है? अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय। फिर भी वो आगम गम्यौ, आगम प्रमाण के द्वारा। आगम प्रमाण माने शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण के द्वारा उनका ज्ञान होता है। और अनुमान गम्य च, अनुमान के द्वारा उनका ज्ञान होता है। चलिए, अब यहाँ पर इन्होंने अनुमान इत्यादि प्रमाण दिखा दिया है, वो हमको देखना नहीं है। इतना याद रखिएगा, अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है। अब वो अनुमान कर ही लेंगे भाई, किसी को देखेंगे अगर ये दुखी है, ये दुखी है, इसका मतलब है कि इसने पहले इसको धर्म और धर्म है तो सुख भोग रहा है, अधर्म किया है इसीलिए क्या कर रहा है? क्या समस्या है? चलिए, अब संस्कार किसे कहते हैं? तो संस्कार व्यवहार कहते हैं। संस्कार व्यवहार का असाधारण कारण संस्कार होता है। संस्कार व्यवहार का मतलब क्या है? कि ये संस्कार है, अगर इस प्रकार का हम बोलते हैं, इस बोलने का असाधारण कारण है संस्कार। संस्कार तीन प्रकार का होता है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग कहाँ रहता है? तो पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग कितने में रहता है? पांच में। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांच में क्या रहता है? वेग नामक संस्कार। और वेग, वेग तो संस्कार। हाँ, क्रिया का हेतु होता है। क्या होता है क्रिया का? क्रिया का हेतु, उससे क्रिया उत्पन्न होती है, वेग से क्रिया उत्पन्न होती है। अब भावना नाम का संस्कार किधर रहता है? भावना अक्षस्तु संस्कार, आत्म मात्र वृत्ति ही। यह सिर्फ किसके अंदर रहता है? आत्मा में ही रहता है। और ये अनुभव से जन्य होता है। भावना नाम का संस्कार किससे उत्पन्न होता है? अनुभव से उत्पन्न होता है। पहले आप किसी चीज का क्या करते हैं? अनुभव करता है। फिर आपको उस चीज का क्या फल आता है? संस्कार होता है। संस्कार किस नाम का संस्कार?
भावना पर फिर क्या आती है, याद आती है आपको क्या आती है? समझ गए कि नहीं? और ये तीनों काम किसके अंदर होते हैं? आत्मा अनुभव भी आप आत्मा के अंदर ही करते हैं। अनुभव माने किसी चीज को महसूस करना। फिर आपको संस्कार पड़ जाएगा, भावना होगी, आप उसी को सोचेंगे और उसके बाद आपको जब याद आएगी किसी उसका उद्बोधक, समझे कि नहीं? जब कब आती है याद? जब याद कराने वाली कोई चीज सामने आ जाए। क्या समझे जी? जब याद दिलाने वाली, जब याद कराने वाली कोई चीज सामने आ जाती है तो याद आ जाती है। अब वही देखेंगे क्या है क्या नहीं। ज्यादा आ रही है। किसी का माइक खुला माने वो व्यक्ति माइक बंद कर ले जहां से ज्यादा ही आवाज आ रही है जी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि भावना नाम का संस्कार जो है वो क्या करता है, वो भैया अनुभव से जन्य होता है और आत्मा के अंदर ही रहता है और स्मृति को उत्पन्न करता है। भावना नाम का संस्कार क्या करता है? अनुभव से उत्पन्न होता है, अनुभव जन्य और स्मृति का हेतु होता है। ज्ञान दीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अनुभव जन्य स्मृति हेतु का आपको बताना है भावना नाम का संस्कार। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार से जन्य होता है स्मृति, स्मृति का हेतु होता है भावना नाम का संस्कार और वो उद्बुद्ध होकर के स्मृति को उत्पन्न करता है। उद्बुद्ध होकर के, उद्बुद्ध किसे कहते हैं? तो सहकारी का लाभ, उद्बोध मतलब सहकारी, किसी सहकारी कारण कुछ मिल जाए। सहकारी कारण क्या है संस्कार का? तो कहते हैं सदृश दर्शनादया, अगर किसी उसी के समान कोई चीज देख ली। जैसे पहले हमने क्या किया, किसी को देखा, फिर हमने वो तो देख लिया, फिर आत्मा में संस्कार पड़ गया, भावना नाम का संस्कार पड़ गया। फिर क्या हुआ कि 4 साल बाद उसको नहीं देखा, उसी के समान किसी चीज को देख लिया, बताओ तो याद आ जाएगी कि नहीं? जी आ जाएगी। पहले हमने किसी का क्या किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया, फिर उसके बाद भूल गए, मतलब संस्कार पड़ गया आत्मा में। संस्कार कौन सा वाला? भावना नाम का संस्कार। फिर उसी के सदृश दर्शन हो गया। क्या हो गया? उसी के सदृश दर्शन, किसी चीज को देख लिया तो क्या हो जाएगी? फिर स्मृति हो जाएगी जी। तो ये सदृश दर्शन आए क्या? प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा तो उसी में होती है, उसके सदृश में थोड़े होती जी। सादृश्य अदृष्ट चिंताद्याह, देखो सादृश्य अगर सदृश कोई है वो अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब अगर धर्म या अधर्म के कारण भी चीजें याद आ जाती हैं और चिंता करने से भी स्मृति होती है। ये सब क्या है? स्मृति बीजस्य, स्मृति का बीज क्या है? संस्कार। और उसके ये सब क्या है? उद्बोधक है, सहकारी कारण है। चलिए अब स्थिति स्थापक किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं, पेड़ की डाल है उसको नीचे झुकाओ और बाद में वो अपने आप ऊपर चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं? स्थापक। समझ गए कि नहीं? जी। तो ये स्पर्शवत द्रव्य विशेष वृत्ति, ऐसा कोई द्रव्य हो जो स्पर्श वाला हो उसी के अंदर स्थिति स्थापक नाम का संस्कार रहता है। जैसे अन्यथा भूतस्य, अन्यथा भूत मतलब थोड़ा अलग हो जाए, अलग स्वाश्रय उसका आश्रय, जैसे धनु हुआ है, धनुष है, तो धनुष जो है उसकी, उसको क्या करते हैं जब खींचते हैं तो वो मुड़ जाता है और बाद में फिर से अपनी अवस्था में पहुंच जाता है कि नहीं जी। तो अन्यथा भूत से स्वाश्रय से मतलब जब आश्रय क्या हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए, अन्यथा भूत हो जाए, मतलब खींच करके उसकी अवस्था को बदल दिया जाए और पुनः तद अवस्था आपादक, वो फिर से अपना खींच करके क्या हो जाए, फिर से मैंने खींच लिया, जब छोड़ा तो फिर से वो अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच गया स्प्रिंग, तो वही होता है स्थिति स्थापक। मतलब कि अलग स्थिति में पहुंचने पर भी फिर उसी स्थिति में स्थापित कर देने वाले गुण को हम स्थिति स्थापक कहते हैं। ठीक है,
अब आत्मा के विशेष गुण कौन कौन से हैं? तो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना नाम का संस्कार। ये नौ जो है क्या है? आत्मा के विशेष गुण है। ये हम आपको एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। अब कर्म देख लीजिए किसे कहते हैं? चलनात्मकम कर्म, चलना ही कर्म होता है। और ये गुण की तरह गुण इब द्रव्य मात्र वृत्ति, सिर्फ द्रव्य में ही रहता है। क्या समझे? गुण के समान केवल द्रव्य में रहता है कर्म। हाँ, और ये कहाँ रहता है कर्म? तो जहां पर मूर्तत्व तो रहता है, जहां पर मूर्तत्व रहता है वहीं पर ये रहता है। बोले मूर्तत्व तो है क्या चीज? कहे अविभू द्रव्य परिमाण। क्या? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विभू द्रव्य परिमाण किसका किसका होता है? ये आकाश का, आत्मा का, मन का। अच्छा, मन विभू होता है। आकाश और आत्मा है। अच्छा, काल दिशा नहीं है क्या? दिख है, काल है जी। जी और अविभू द्रव्य परिमाण मतलब जो इनसे बचे हुए द्रव्य हों, कौन कौन है? पृथ्वी, अब तेज, वायु, इनका कार्य वस्तु। हाँ, ये पूरे विभू है। तो अरे यार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। मन अविभू द्रव्य परिमाण कौन कौन होगा? पृथ्वी, तेज, वायु, मन। वायु, तेज और मन, पांच। हाँ, इसी इन्हीं के अंदर यही क्या होते हैं? मूर्त होते हैं। इन्हीं में मूर्तत्व रहता है। और इसी के साथ में एकार्थ संवेतम मतलब उसी के साथ साथ में रहता है कौन? कर्म। तो आप बताओ कर्म कितने द्रव्यों में रहता है? पांच द्रव्यों में। किसमें? पृथ्वी से लेकर के मन में, वायु में। पांच में रहता है, क्योंकि यही कहा है सब अविभू द्रव्य परिमाण है और मूर्तत्व है, यही सब मूर्त है। और एक बात, कर्म जो होता है ना, कर्म करोगे तो क्या होगा? मान लो फल। अभी अभी रुको, जैसे तुम कर्म करो, थोड़ा कर्म करो, क्या जहाँ पर बैठे हो, पहले कर्म करोगे तो उठोगे ना? जी, बड़े ना उठो, हाथ हिलाओ डुलाओ, तो अभी तो चलनात्मकम कर्म होगा कि नहीं? क्या चलनात्मकम कर्म हो? जैसे ये आपका हाथ है, इसको क्या कर दिए? इधर थोड़ा सा कर दिए जी, नहीं समझो? अथवा इतना मत करो, इतना करो, तो इतना इधर करो, इतना तो हो जाएगा ना जी। तो ये चलनात्मकम कर्म हुआ कि नहीं हुआ जी? इस चलनात्मकम कर्म, यहाँ पर बताओ, जब यहां से हाथ को इधर करोगे तो इसका जो पूर्व देश था, पूर्व देश क्या था? ये वाला, इस वाले देश से दूसरी देश में पहुंच गया, यानी कि इधर विभाग हुआ कि नहीं हुआ जी? और जब विभाग हुआ तो पूर्व देश से उसका संयोग का नाश हुआ कि नहीं हुआ जी? वो उत्तर देश में जाकर के संयोग हो गया कि नहीं जी? हो गया। ये सब कर्म ही का फल है, वही बता रहा हूं कि विभाग के द्वारा पहले तो क्या होगा, कर्म करोगे तो तुरंत विभाग होगा उस जगह से, और पूर्व संयोग का नाश होगा। पहले जहां संयोग था वो नाश हो जाएगा, उत्तर देश में संयोग हो जाएगा। अब ये पांच प्रकार का होता है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। और पांच और भी होते हैं, भ्रमणम, रेचनम, संदन और ध्वजलन में, तिर्यक, गमनम, उपेत्र, गमन, ग्रहण, वो सब गमन के ग्रहण से ही उनका ग्रहण हो जाता है। चलिए, कार्यकावली में हम उसको देख चुके हैं। अब देखिए, अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्य, सामान्य किसे कहते हैं? अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु जाति। अनुवृत्ति प्रत्यय जो हो ना, उसका जो कारण है अनुवृत्ति प्रत्यय का, वही जाति है। अनुवृत्ति प्रत्यय क्या है? चलो अनुवृत्ति प्रत्यय बताते हैं। देखो, ये क्या हो गई? चार टांगे होती है ना, ये हो गई गाय। गाय, चलो फिर
देखो भाई हमारी चित्रकला ऐसी ही है, अब इसकी पूंछ भी बना लेना आप लोग, ठीक है, मुंह सींग नाक कान सब बना लेना बाद में, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर अनुवृत्ति करते हैं, अनुवृत्ति सब लोग सुने होंगे, सूत्रों में अनुवृत्ति होती है ना जी। चलो अब अनुवृत्ति बताते हैं, इयम गौ, ठीक है जी, ये हो गई पहले, वो बाद में जब दूसरी वाली है तो उसमें भी क्या यही अनुवृत्ति लानी है, माने इयम गौ दूसरी वाली भी क्या है, इयम गौ, और तीसरी वाली भी क्या है, इयम गौ। इसका मतलब क्या है, इनके ये सबको सबके अंदर एक आकार प्रतीति हो रही है, क्या हो रही है सबके अंदर एक आकार प्रतीति, ये एकाकार प्रतीति को ही अनुवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, एक आकार प्रतीति जो हो रही है वो होती है अनुवृत्ति, और इस अनुवृत्ति का कारण कौन है, इन सबके अंदर एक गोत्र रह रहा है, इसीलिए हम सबको इयम गौ इयम गौ इयम गौ ये एकाकार प्रतीति और अनुवृत्ति कर पा रहे हैं, क्या समझे, इयम गौ इयम गौ इयम गौ या अनुवृत्ति एकाकार प्रतीति क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर क्या रह रही है, गोत्र जाति रह रही है, अगर ना रहती, अगर किसी के अंदर पटक तो जाती रहती तो कैसे हम कह पाते उसको इयम गौ, कह पाते क्या, नहीं कह पाते भाई, कोई कपड़ा होता तो थोड़े इयम गौ कहते, चलिए अनुवृत्ति का जो हेतु है, अनुवृत्ति प्रत्यय मैंने एकाकार प्रत्यय कहते हैं प्रतीति को, प्रत्यय मतलब क्या होता है प्रतीति, प्रतीति प्रतीति माने ज्ञान, अनुवृत्ति मतलब एकाकार, तो एकाकार ज्ञान का जो कारण होता है वही सामान्य होता है, ये किसके अंदर सामान्य रहता है, द्रव्य गुण और कर्म, और ये नित्य होता है, एक होता है और अनेकानुगत होता है, जैसे जैसे घट के अंदर क्या रहेगा, घटत्व, घटत्व नित्य है कि नहीं, नित्य है, घटत्व एक ही है कि नहीं, एक ही है, अनेक घटों के अंदर रहता है कि नहीं, अनेक घटों के अंदर भी रहता है, यही लिखा है, नित्य होता है, एक होता है और अनेकानुगत होता है, क्या होता है, अनेकानुगत माने अनेक घटों के अंदर रहता है, और ये दो प्रकार की होती है जाति, पर जाति और अपर जाति, पर जाति होती है सत्ता, क्यों बहुविषयत्वात्, क्योंकि ये बहुत के अंदर रहती है, मतलब द्रव्य गुण और कर्म तीनों के अंदर रहती है, समझे कि नहीं जी, और अनुवृत्ति प्रत्यय माने भाई एकाकार प्रतीति की ये हेतु होती है, इसलिए इसको सामान्य कहते हैं, मतलब ये सबके अंदर एकाकार प्रतीति यही सत्ता ही करवाती है, देखो कैसे करवाती है बताते हैं, द्रव्यम सत, बोलो क्या लिखें, द्रव्यम सत गुण कर्म, बोलो ना जल्दी जल्दी क्या लिखें, द्रव्यम सत ऐसे ही, सत गुण कर्म, अरे यहाँ भी तो सत उत लिखना है ना, क्या लिखना है बताओ, हाँ गुणम सत गुण सत कर्म सत, अरे गुणा सन सन कर्म कर्म सत, ये गुणम सन कर गुणम सत कर दोगे, नहीं सर गुणा सन, गुणा पुल्लिंग है भाई, ये पुल्लिंग में सन रूप बनता है कि सत बनता है, सन बनता है, पुल्लिंग में गुणम बनता है, नहीं नपुंसकलिंग में गुणम बनता है, नपुंसकलिंग में होता है किधर, चलिए तो यहाँ पर सबके अंदर बताओ सत सत की प्रतीति करवा रहा है कि नहीं, ये जी जो करवा रहा है उसी को क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं, सत्ता द्रव्य सत्ता, हाँ आगे किसी में सत की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए तीन में ही सत्ता रहती है, और अपर है द्रव्यत्व आदि, द्रव्यत्व अपर है, अपर माने अल्प विषय है, इसका जगह कम जगह में रहता है, और ये जो होता है ना व्यावृत्ते रपि हेतुत्वात्, ये व्यावृत्ति का भी हेतु होता है, इसलिए इसको सामान्य भी कहते हैं और विशेष भी कहते हैं, क्योंकि जो चीज व्यावृत्ति करवा दे अलग कर दे आपको किसी से वो विशेष कहा जाता है, समझे कि नहीं,
जी जैसे सामने घड़ा रखा है, बताओ घड़ा जो है कपड़े से भिन्न है कि नहीं? जी है। क्यों? क्योंकि घड़े के अंदर क्या रह रहा है? घटत रह रहा है। तो ये क्या करा दिया यहाँ पर, व्यावृत्ति करा दिया कि नहीं? जी व्यावृत्ति का हेतु, व्यावृत्ति का मतलब पट से घट की व्यावृत्ति करा दिया, पट से घट को अलग कर दिया। इसलिए जो जो घटत्व है वो घटत्व तो सामान्य मैंने जाति भी है और विशेष भी है। क्यों विशेष है? क्योंकि इस घटत्व ने क्या कर दिया, घड़े को कपड़े से अलग कर दिया। जी आपके अंदर की मानवता आपको जानवर से अलग करती है कि नहीं? जी तो मानवता क्या है, मनुष्यत्व क्या है, सामान्य भी है जी, लेकिन व्यावृत्ति का हेतु है, जानवर से आपकी व्यावृत्ति करा देता है, जानवर से अलग कर देता है, इसलिए मानवता मनुष्यत्व क्या है, विशेष भी है। समझ गए कि नहीं? जी अब यहाँ कोई आया बोला भैया व्यक्ति ही व्यक्ति होता है, सामान्य माने जाति नहीं होती, नहीं होती। कौन आया? ये अपोहवादी बौद्ध आया। बौद्ध का मत क्या है? अपोह। आपसे प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में पूछा जाएगा कि निर्वाण किससे संबंधित है? बौद्ध। अपोह किससे संबंधित है? बौद्ध से। कहाँ पूछा जाएगा? प्रथम प्रश्न पत्र में। तर्क वाले। हाँ हाँ पूछा जा चुका है। चलिए व्यक्ति व्यतिरिक्तम सामान्यम नास्ति, व्यक्ति से अलग सामान्य नहीं है। तो जब पूछा जाएगा तो आएगा कहाँ से? द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ के। कहाँ से आएगा द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ने से? भाई अब तर्क संग्रह पढ़ो, तर्क भाषा पढ़ो, और वो सब क्या है दर्शन अर्शन वाला पढ़ो, तो वहां के तीन चार जो भी कहीं कई बार तो तीन तक सवाल आ जाते हैं, बढ़िया हाल हो जाएंगे। तो व्यक्ति व्यतिरिक्तम सामान्यम नास्ति, व्यक्ति से व्यतिरिक्त सामान्य वो कहता है व्यक्ति ही होता है। देखो असल में क्या हुआ, वो गाय तो ऐसी ही बनाएगा, लेकिन वो ऐसा है कि कहेगा ये गाय इसलिए है, इसलिए गाय नहीं है तीनों की इसके अंदर गोत्व है, ये नहीं कहेगा। ये कहेगा कि ये उससे अलग नहीं है। क्या बोलो बोलो? उससे के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं? तस्मात्। तद, तद माने वह, उससे, और ये अलग, अलग के लिए क्या बोलते हैं? व्यावृत्त। व्यावृत्ति। अलग के लिए क्या बोलते हैं? व्यावृत्ति। और ये उससे अलग नहीं है तो इसमें आ जोड़ दो जी। क्या है? अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति मतलब ये उससे अलग नहीं है, इसी को कहते हैं अपोह। अतद व्यावृत्ति बराबर अपोह। समझ गए कि नहीं? अपोह मतलब क्या होता है? अतद व्यावृत्ति, ये उससे अलग नहीं है। ये गाय जो है वो पिछले वाले से अलग नहीं है, वो अगली वाली उससे अलग नहीं है, इसलिए ये सब गाय है। वो गोत्र नाम का कोई जाति वाति नहीं मानता, सामान्य नहीं मानता, वो कहता है व्यक्ति ही व्यक्ति है, जाति थोड़ी है। व्यक्ति व्यतिरिक्तम, व्यक्ति को छोड़ करके कोई सामान्य मतलब जाति नास्ति नहीं होती है। समझे कि नहीं? जी वयम ब्रूमः, हम लोग कहते हैं किमालं बना तभी विभिन्नेषु विलक्षणेषु पिंडेषु एकाकारा बुद्धि। कहते हैं कि भैया तो जो विभिन्न विलक्षण पिंड हैं, विभिन्न जो विलक्षण माने अलग अलग, जैसे एक गाय अलग, दूसरी गाय अलग, तीसरी गाय अलग, तो ये भिन्न भिन्न क्या है? विलक्षण पिंड है। इनमें एकाकारा बुद्धि, एकाकारा बुद्धि मतलब अनुवृत्ति, यानी कि इयंगोह इयंगोह इयंगोह, ये सब कैसे पता चलता है, कैसे होता है? बिना सर्वानुगतम एकम किंचित, यदि सबके अंदर एक ही
हमने जाति नहीं मानी तो तच्च यच्च तथा आलंबनम, वो जो आलंबन है वही सामान्य है, वही जाति है जिसके आधार पर हम सबको गौ कह पाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हम तो क्या मान लेंगे, अतद व्यावृत्ति, क्या मानेंगे, अतद व्यावृत्ति लिखा हुआ है, अतद व्यावृत्ति माने अपोह, उसके द्वारा हम एकाकार बुद्धि मान लेंगे। क्यों, क्योंकि सर्वेशु एव गोपिंडेशु, सभी गोपिंड में, अगोभ्यः जो गो नहीं है अश्वादि उनसे व्यावृत्ति है कि नहीं है, जितने गोपिंड हैं वो सब क्या है, अगो से अश्व से क्या है व्यावृत्ति, मतलब अलग है, व्यावृत्ति है, इसलिए अगो व्यावृत्ति यानी कि अतद व्यावृत्ति रूप, वहां पर एकाकार प्रत्यय हो रहा है अनेक गोपिंडों में, ऐसा नहीं है कि वहां पर गोत्व जो विधि है, विधि यानी कि भाव रूप गोत्व सामान्य का विषय नहीं है, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वहां विधि मुख से ही एकाकार का स्फुरण होता है। हमको ये नहीं लगता अतद व्यावृत्ति अतद व्यावृत्ति अतद व्यावृत्ति ये हर जगह प्रतीत होती है क्या, नहीं होती है, अभी तो गौ 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 ये वहां पर विधि मुख से, विधि मुख यानी भाव मुख से ही एकाकार प्रतीति होती है, अभाव मुख से वहां पर एकाकार प्रतीति अतद व्यावृत्ति करके नहीं होती है, इसलिए आपका अपोह हम नहीं मानते, हम गोत्व को ही मानते हैं। ये कुछ बात यहाँ पर थी। अब है विशेष किसे कहते हैं, तो विशेष जो होता है वो नित्य होता है, विशेष क्या होता है, नित्य होता है, और नित्य द्रव्य वृत्ति होता है, क्या होता है, नित्य द्रव्य वृत्ति होता है, नित्य द्रव्य वृत्ति, और व्यावृत्ति बुद्धि का हेतु होता है यानी व्यावर्तक होता है, व्यावृत्ति बुद्धि मात्र का हेतु होता है यानी व्यावर्तक होता है, व्यावर्तक होता है, कौन, विशेष आ भी चुका है, विशेष नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः और व्यावर्तकाः, ऐसा भी कहीं शायद आया होगा, और एक बात है अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, कारिका में आया था, अंत्य का मतलब भी क्या था, व्यावृत्ति बुद्धि मात्र का हेतु यानी व्यावर्तक, व्यावर्तक था अंत माने व्यावर्तक। अब नित्य द्रव्य कौन कौन से हैं, तो मैंने ये लाइन रट ली थी और आप लोगों से मैं पूछता रहता था, नित्य द्रव्याणि तु आकाशादीनि पंच पृथिव्यादेश चत्वारः परमाणु रूपा, आप लोग भी याद कर लो, नित्य द्रव्य कौन कौन से होते हैं जिनमें विशेष रहते हैं, आकाशादीनि पंच और पृथिव्यादेश परमाणु रूपा, ये पंक्ति हम याद कर लिए थे, हम रोज पूछते थे आपसे। चलिए समवाय किसे कहते हैं, अयुत सिद्धों का संबंध क्या होता है, समवाय होता है, इस बात को प्रत्यक्ष खंड में कारण बताते समय बता चुके हैं। कहते हैं कि अब यहां पर इन्होंने कुछ उठाया है प्रश्न, ये बताया है कि अवयव और अवयवी अयुत सिद्ध होते हैं, इसलिए उनका संबंध क्या होता है, समवाय होता है, लेकिन एक प्रश्न उठा रहे हैं कि न च एतद युक्तम, ये बात उचित ही नहीं, क्योंकि अवयवातिरिक्तस्य अवयविनो अभावात्, अवयव से अतिरिक्त कोई अवयवी होता ही नहीं, अवयव और अवयवी एक ही चीज है, परमाणवः एव बहवः, बहुत सारे परमाणु मिला करके ही क्या कह देते हैं उनको, तथा भूताः सन्निकृष्टाः, जब बोलते हाँ मिल जाते हैं मिलकर के उनको घटोयम घटोयम बोल देते हैं, वो है क्या, घट थोड़े है कोई, वो तो परमाणु ही है, समझे कि नहीं, तो बता रहे नहीं जी। अस्ति एकः स्थूलो घटः, यहाँ पर एक स्थूल घट है, ये प्रत्यक्ष बुद्धि होती है, और बताओ परमाणुओं का समूह होगा तो प्रत्यक्ष होगा उसका, नहीं नहीं होगा, न च सा परमाणुषु अनेकेषु अस्थूलेषु अतीन्द्रियेषु भवितुमर्हति, जो अस्थूल है अतीन्द्रिय परमाणुओं में ये स्थूल घट की बुद्धि हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, कोई कहे भ्रांता यम बुद्धि, कहते भ्रांत भी नहीं है, क्योंकि इसका कभी बाद आगे नहीं होता है। इस प्रकार से छह पदार्थ द्रव्य गुण कर्म इत्यादि वर्णित कर दिए, और ये विधि मुख से इनका प्रत्यय होता है, विधि मुख से यानी कि भाव मुख से इनका, मतलब भाव के रूप में ये पता चलते हैं, इसलिए ये भाव रूप है, और एक अभाव रूप सातवां पदार्थ भी होता है, निषेध मुख प्रमाण से गम्य होता है, निषेध मुख प्रमाण माने यदि यत्र यहाँ पर खड़ा होता तो यहाँ पर उपलब्ध होता, नहीं है इसलिए नहीं उपलब्ध हो रहा इसलिए नहीं है, तो अभाव के यहाँ पर निषेध के द्वारा घड़े की प्राप्त माने घड़े के अभाव का ज्ञान होता है, इसलिए हम एक सातवां पदार्थ अभाव रूप मानते हैं।
वो अभाव संक्षेप से दो प्रकार का है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव तीन प्रकार का है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। यह हमने कारिकावली में देख लिया था। प्रागभाव किसे कहते हैं? उत्पत्ति के पहले अगर कारण में कार्य का अभाव है तो वो प्रागभाव है। प्रागभाव क्या है? जैसे अभी आप अभी घड़ा उत्पन्न होने वाला होगा मान लो, तो बताओ उत्पन्न हुआ नहीं है तो पहले घड़े का क्या है यहाँ पर? बोलो भाई, उत्पत्ति के प्राग माने उत्पत्ति के पहले कारण के अंदर कार्य का अभाव जो है वो क्या है? प्रागभाव है। जैसे तंतु के अंदर पट का अभाव, जैसे मान लो यहाँ पर तंतु हैं, इन तंतुओं से अभी पट बनने वाला है, कपड़ा बनने वाला है, तो इन तंतुओं के अंदर क्या रह रहा है अभी? कपड़े का अभाव रह रहा है, प्रागभाव। तंतुओं में, हाँ तंतुओं में कारण में कार्य का अभाव रह रहा है, पट का अभाव रह रहा है, और ये होता है अनादि। प्रागभाव क्या होता है? अनादि, इसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है, और ये विनाशी होता है। क्यों? क्योंकि जब इन तंतुओं से पट बन जाएगा तो बताओ, जब पट बन जाएगा तो पट का प्रागभाव रहेगा क्या? अब तो पट बन गया, अब पट का प्रागभाव है क्या? नहीं है। तो पट रूपी जो कार्य है वही क्या है? उसका विनाश है, इसलिए ये विनाशी होता है। अब प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? तो पता ही आपको, उत्पन्न से कारण अभाव, कोई चीज उत्पन्न हो गई, जैसे घड़े को क्या कर दिया हमने, घड़ा है घड़े को तोड़ दिया, तो अब उसका क्या हो गया? घट की कपाल माला में घट का क्या हो गया? अभाव हो गया। अरे भाई पहले घड़ा था, घड़े को टूट गया, तो अब क्या बचा वहां पर? सिर्फ कपाल माला बची ना। प्रध्वंस कर दिया घट का, विनाश कर दिया, मुदगर प्रहार कर दिया घट पर, क्या कर दिया? मुदगर प्रहार, तो भग्न हो गया घट, घट हो गया, टूट गया। अब बताओ घट का अभाव है कि नहीं? अब कपाल माला पड़ी हुई है वहां पर, केवल क्या पड़ी है? कपाल माला, कपाल माला जमीन में बिखरी पड़ी है, कपाल माला में छोटे छोटे घड़े के टुकड़े, उसी को क्या कहते हैं? अब उसके अंदर क्या रह रहा है? घट का अभाव रह रहा है, इसी को हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। उत्पन्न जो घट था उसका कारण में, अपने कारण में जाकर के अभाव हो गया, कपाल माला में अभाव हो गया। किससे हुआ? तो मुदगर प्रहार से हुआ, मुदगर प्रहार आदि से हो गया। और ये उत्पत्तिमान और अविनाशी, समझिएगा, इसकी प्रध्वंस की उत्पत्ति तो होती है लेकिन प्रध्वंस का विनाश नहीं होता, क्योंकि एक बार जब नष्ट हो गया कार्य तो फिर से थोड़े उत्पन्न होता है, नहीं होता, इसलिए प्रध्वंस का दोबारा ध्वंस नहीं होता है, इसलिए इसका विनाश नहीं होता, इसकी उत्पत्ति होती है, इसका विनाश नहीं होता। और प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती है, विनाश होता है। त्रैकालिक अभाव को अत्यंता भाव कहते हैं, जैसे वायु में रूप का कौन सा अभाव है? त्रैकालिक अभाव, त्रैकालिक अभाव है, अत्यंता भाव है। अन्योन्या भाव क्या है? तो तादात्म्य प्रतियोगी का भाव, मतलब कि तादात्म्य कहते हैं वही होना। तो बताओ घड़ा पट है क्या? घड़ा घड़ा कपड़ा है क्या? नहीं। दोनों वही है क्या? घट अलग है, पट अलग है, दोनों वही है, अभिन्न है, अभिन्न नहीं है, इसलिए तादात्म्य नहीं है दोनों का। तो तादात्म्य प्रतियोगी का भाव है यहाँ पर, घटा पटो न भवति। इस प्रकार से सातों पदार्थों का व्याख्यान यहाँ पर संक्षेप से कर दिया, ठीक है। अब आता है क्या? बुद्धि। भैया प्रमेय चल रहा था ना जी, तो क्या क्या हो गया था उसमें? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ हो गए, अर्थ, बुद्धि, बुद्धि। अब इन्होंने कहा कि भैया ये एक कोई योगाचार और वेदांती, ये क्या बोल रहे हैं?
योगाचार मतलब विज्ञानवाद, बौद्ध और हाँ विज्ञानवादी, योगाचार मतलब विज्ञानवादी, विज्ञान ही विज्ञान उनको दिखता है, क्या विज्ञान ही विज्ञान, वो कहते हैं सब, वो कहते हैं सब कुछ विज्ञान है, उनको क्या लगता है सब कुछ विज्ञान ही है। अब बताओ सामने अगर बोतल दिखाई दे रही है तो बोतल विज्ञान है क्या? नहीं जी, नहीं। तो विज्ञान थोड़े है भाई। और एक होता है, देखो दिख रहा है ना ये पीडीएफ दिख रही है कि नहीं, इसमें योगाचार लिखा है, क्या लिखा है? दिख रहा है योगा, योगाचार। और आगे फिर आया दूसरा, आया वेदांती, कौन आया? वेदांती, वेदांती कह रहा है सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, बोतल सामने दिख रही वो भी ब्रह्म है, मोबाइल वो ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म है। अरे प्रत्यक्ष सिद्ध है यार, आंखों से दिख रहा है मोबाइल है तो उसको ब्रह्म बता रहे हैं, ये क्या बात हुई? बोलो बोलो, ये जितने पदार्थ हैं प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, सामने दिख रहे हैं इतने पदार्थ सब प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, इनको कह रहा है कि नहीं ये तो ब्रह्म है, एक आया बोल रहा है ज्ञान है, तेरे ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं, दूसरा आया कहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं, समझे कि नहीं? जी जी चलिए, तो वेदांति क्या कहता है? ब्रह्म भी क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ज्ञान ही क्या है? ज्ञान क्या है? ब्रह्म है, तो सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है, तात्पर्य यह है जो बुद्धि है ना, बुद्धि ज्ञानम, बुद्धि मतलब ज्ञान, तो बुद्धि है, बुद्धि है सब, सामने जितना पदार्थ दिख रहा है वो और कुछ नहीं, वो बुद्धि है, समझे कि नहीं जी? ये सब कहते हैं सब गड़बड़ है क्या? ज्ञानात ब्रह्मणो वा, ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त अर्थाह व्यतिरिक्ता न संति, इससे भिन्न कुछ होता ही नहीं, कोई अर्थ इससे भिन्न व्यतिरिक्त होता ही नहीं, सब कुछ ज्ञान ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये कहने वाले योगाचार वेदांती आए तो नैयायिक ने कहा कि ऐसा मत कहो, अर्था नाम अपनी प्रत्यक्ष आदि सिद्धत्व, इतने अर्थ है वो सब क्या है? प्रत्यक्ष से सिद्ध है, सिद्ध है, इसलिए उनका आप अपलाप अशक्य है, उनका अपलाप नहीं कर सकते, उनका आप खंडन नहीं कर सकते। अरे आंखों से दिख रहा है सामने जितना पदार्थ, बता रहे हैं ब्रह्म है, बता रहे हैं ज्ञान है, योगाचार बता रहे ज्ञान है या विज्ञान है, वो वेदांति बता रहा है क्या? तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाद में कहेगा सत्यम ज्ञान सत्य है, अब ज्ञान है क्या है, अनंत है, पता नहीं क्या क्या बताते रहे, इसलिए इन सब का मत सुनो, ये सब ऐसे है, पहुंचा देंगे किस अवस्था में? ब्रह्म की अवस्था में पहुंचा देंगे, धीरे धीरे ब्रह्म बना देंगे। बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान और प्रत्यय सब पर्यायवाची होते हैं क्या? बुद्धि ज्ञान बुद्धि प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान, ये सब क्या होते हैं? पर्याय शब्द ही रविधीयते, ये सब क्या होते हैं? पर्याय कहलाते हैं। अथवा अर्थ का प्रकाश को ही क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। वो दो टाइप की होती है, अनुभव और स्मरण। अनुभव भी दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। अयथार्थ यथार्थ अनुभव क्या होता है? अर्थ अविसंवादी। अर्थ अविसंवादी का मतलब क्या है? सामने जैसा दिख रहा है वैसा ही समझ आ रहा है तो क्या है ये? यथार्थ इसी को कहते हैं, अर्थ जैसा अर्थ दिख रहा है वैसे से उसी के समान, मतलब वैसा ही अगर समझ में आए तो अविसंवादी, उससे विपरीत समझ में ना आए वैसा ही समझ आए तो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, इन सब प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न होता है कौन? यथार्थ अनुभव जी। जैसे चक्षु के द्वारा, अदुष्ट चक्षु के द्वारा, किसे चक्षु के द्वारा? अदुष्ट चक्षु के द्वारा, अदुष्ट, अगर चक्षु दुष्ट हो गया, उनमें रोग हो गया तब तो फिर सब गड़बड़ दिखेगा। अदुष्ट चक्षु के द्वारा घट का ज्ञान होगा, ये क्या होगा? यथार्थ अनुभव होगा, यथार्थ ज्ञान होगा। धूम लिंग ज्ञान, धूम रूपी लिंग के ज्ञान से अगर आपको अग्नि का अनुमान कर रहे हैं तो ये क्या होगा? यथार्थ ज्ञान होगा। गाय के सादृश्य के दर्शन से गवय शब्द की वाच्यता का ज्ञान, अयम सामने वाला पदार्थ गवय शब्द वाच्य, ये तो गवय शब्द से वाच्य है, ये बात का ज्ञान जो होता है, ये सब क्या है? यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है, उपमिति है। और ज्योतिष तोमे न स्वर्ग कामो,
यजेत यजेत इस बात के से जो ज्योतिष टोम की स्वर्ग साधनता का ज्ञान हो रहा है कि ज्योतिष टोम क्या है, स्वर्ग का साधन है, ये बात ये भी यथार्थ ज्ञान है। पर अयथार्थ क्या होता है? तो जो अर्थ विचारी हो, मतलब जैसा अर्थ है उस प्रकार का ज्ञान ना होना, और अप्रमाण जहां जो प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, ये तीन प्रकार का होता है, संशय, तर्क और विपर्य। इसमें संशय और तर्क आगे बताएंगे, विपर्य समझ लो किसे कहते हैं। तो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्य मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, जो वो चीज नहीं है उसमें वैसा आपको दिखे। जैसे सामने सुक्ति पड़ी है उसमें क्या क्या दिखे आपको? इदम रजतम। सामने किताब पड़ी है लेकिन आपको दिखाई घड़ा दे रहा है, तो ये क्या ज्ञान है? मिथ्या, विपर्य। समझे कि नहीं? ये अतस्मिन तदग्रह, अतस्मिन मतलब जो वो नहीं है उसमें, तदग्रह मतलब उसका ग्रह होना, जो चीज नहीं है उसमें उसका ग्रह हो, इसी को भ्रम कहते हैं। इसे पूर्ववर्तिनी रजते, सामने रजत है लेकिन माने अरजते, पूर्ववर्तिनी अरजते, अरजत है, सुक्ति है उसमें भी रजत का आरोप कर दे, एकदम रजतम अगर कहे तो समझ लेना कि भ्रम है। स्मरण आता है दो प्रकार का, यथार्थ और अयथार्थ, दो प्रकार का क्या होता है? स्मरण, स्मरण। और वो उभय किससे उत्पन्न होता है भैया? हाँ, जागरे, जागरण काल में। देखो हमने बता दिया अनुभव कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन कौन सा? यथार्थ यथार्थ और अयथार्थ। समझे कि नहीं जी? अब एक बात आप समझ लीजिए, यथार्थ अनुभव होगा तो स्मरण कैसा होगा, यथार्थ अनुभव होगा तो फिर याद भी कैसी आएगी? यथार्थ अप्रमाणिक, अयथार्थ ही आएगी। कैसी आएगी? अयथार्थ। लेकिन एक बात बता देते हैं, जब याद आपको जागते समय आए या जागृत अवस्था में, तो वो फिर यथार्थ भी होगी, और यथार्थ से अगर होगी तो यथार्थ, और यथार्थ अनुभव से होगी तो यथार्थ होगी। लेकिन अगर आपको सोते समय आई तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी? अयथार्थ। अयथार्थ, हाँ। जागते समय में दो विकल्प हैं, यथार्थ यथार्थ दोनों के, लेकिन सपने तो सर्वमेव ज्ञानम। और एक बात, सपने में सब कुछ स्मरण ही होता है, कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, नहीं। हाँ, और अयथार्थ ही होता है और स्मरण ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोष के कारण सत के स्थान पर इदम इस प्रकार का उदय हो जाता है, स्वप्न में वो चीज जो है वो चीज ये चीज लगती है, सत के स्थान पर इदम हो जाता है, सत माने वो चीज के स्थान पर क्या लगता है, ये तो यही है। सपने में सब कुछ जो वो है वो ये लगता है कि नहीं लगता है? अरे एकदम अपने सामने आ जाता है भाई, सपने में नहीं देखे जी। अब सब कुछ ज्ञान निराकार ही होता है, इतना आप ध्यान दो, इसके आगे इसको छोड़ दीजिए। सब सब ज्ञान न्यायिक के मत में क्या होता है? निराकार होता है, ज्ञान का कोई आकार नहीं है। मन किसे कहते हैं? अंतरिंद्रियम मना को मन कहते हैं। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? धर्म और अधर्म, हाँ, धर्म और अधर्म को उत्पन्न करने वाली यागादि क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कहते हैं। और ये जगत के व्यवहार की साधक है, अगर प्रवृत्ति ही ना हो किसी की तो बताओ जगत का व्यवहार होगा क्या, चलेगा? नहीं चल सकता। दोष कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? राग, द्वेष, मोह। राग मतलब इच्छा, राग इच्छा, द्वेष मन्यो क्रोध, मन्ने क्रोध, और मोह मतलब मिथ्या ज्ञान मतलब विपर्य। प्रत्यभाव किसे कहते हैं? पुनरुत्पत्ति, पुनः उत्पत्ति ही प्रत्यभाव। नहीं, आत्मा में की जो पूर्व देह है उसको क्या हो जाती है? पूर्व देह की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है।
निवृत्ति हो जाती है और अपूर्व देह संघात का लाभ होता है, मतलब नया जन्म हो जाता है, नया देह मिल जाता है, उसी को कहते हैं प्रत्यभाव। फल किसे कहते हैं? पुनर्भोगा नहीं यार, फलम मतलब भोगा। फल माने क्या होता है? भोग मतलब क्या होता है? सुख दुख, किसी एक चीज को साक्षात्कार मतलब महसूस करना, सुख अथवा दुख किसी एक चीज का साक्षात्कार, हाँ महसूस करना, यही क्या है फल है। पीड़ा किसे कहते हैं? दुख को, दुख उसको पहले ही बता चुके हैं जो सबको प्रतिकूल लगती हो। मोक्ष किसे कहते हैं? अपवर्ग मतलब मोक्ष, ये दोनों पर्यायवाची हैं। तो मोक्ष क्या चीज है? एक विंशति प्रभेद भिन्नस्य, 21 प्रकार के जो भेद हैं इसके दुख के। अभी तक कितने प्रकार के दुख सुने थे? 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और कितने प्रकार के दुख हैं पता चले? 21 प्रकार के जो दुख हैं उनकी आत्यंतिक ही निवृत्ति ही क्या कर दिया जाए? अत्यंतिक निवृत्ति, उसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। अपवर्ग कहते हैं 21 प्रकार के कौन से दुख हैं? बोले सबसे बड़ा दुख क्या है? शरीर। सबसे बड़ा दुख क्या है? शरीर। क्योंकि यही तो कारण है यार असली। फिर है षडिंद्रियाणि, 6 इंद्रियां, ये भी क्या है? दुख है। फिर 6 विषय जी, 6 विषय, ये भी क्या है? दुख है। विषय समझे कि नहीं? जो 6 इंद्रियों से ग्रहित हो, वही 6 विषय है, वो क्या है? दुख है। और जो 6 प्रकार के 6 इंद्रियों से ज्ञान होते हैं वो भी क्या है? दुख है। और सुख भी क्या है? दुख ही है। क्यों? क्योंकि सुख जो है अपने पीछे पीछे दुख को चिपकाए हुए है, समझे कि नहीं? जी क्या समझे? सुख के पीछे पीछे ही दुख है। हाँ ऐसा है, सुख बिना दुख के रह ही नहीं सकता। क्या? सुख बिना दुख के रह ही नहीं सकता है। हाँ उसके बिना नहीं रह सकता है, उसके साथ ही साथ में रहता है, समझे कि नहीं? जी। अब बताओ अगर शहद में हम 20 डाल दें तो उसको किसके पक्ष में रखोगे? शहद के पक्ष में कि विष के पक्ष में? विष पक्ष में। देखो शहद में हमने क्या डाल दिया? विष डाल दिया। और 2 पक्ष हैं, एक शहद का पक्ष है इस और एक विष का पक्ष है। अब बताओ विष से मिले शहद को किस पक्ष में रखोगे आप? शहद के पक्ष में। शहद को तो खा भी लेते हैं बिना मरे, विष को खा लेंगे? नहीं, विष के पक्ष में। और वो विष से मिश्रित शहद को उसको खा लोगे? नहीं खाएंगे। अगर आपके सामने शहद में विष मिला दिया जाए, अब उसको शहद बोलोगे कि विष बोलोगे? विष बोलेंगे। का मतलब उसको किस पक्ष में स्थापित कर दिए? विष पक्ष। ऐसे ही एक पक्ष है सुख का और दूसरा पक्ष है दुख का। और अगर सुख जो है दुख से मिला हुआ हो तो उस सुख को किस पक्ष में रखेंगे? दुख पक्ष में ही रखेंगे, दुख की गिनती में ही गिनेंगे, समझे कि नहीं? तो भैया सुख भी दुख है और असली दुख तो दुख है ही। तो गौण मुख्य के भेद से 21 प्रकार के दुख बनते हैं, इनमें असली दुख तो दुख ही है, बचे हुए सब गौण गौण दुख हैं। सुखम तो दुखमेव, सुख तो दुख ही है,
क्योंकि दुखानुसंगित्वात, क्योंकि ये दुख के साथ साथ में हमेशा रहता है। अनुसंगो अविनाभावः, अविनाभावः का मतलब उसके बिना ना रहना। जैसे कभी भी घड़ा घड़त माने घटत्व के बिना रहता है क्या? नहीं रहता है, नहीं रहता है। ऐसे ही कभी भी सुख दुख के बिना रहता है क्या? नहीं रहता, नहीं है, रहता, नहीं रहता। अयम उपचार, ये उपचार, ये व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई आप एक बात बताओ, माने चलो ठीक है, सुख के साथ में दुख तो रहता ही है, तो उसको सुख ही क्यों ना मान लिया जाए, दुख ही क्यों मानते हैं? तो कहते हैं मधुनि विष संयुक्त, विषसे युक्त जो मधु शहद है, उसको मधु को आप विष के पक्ष में निक्षेप करते हैं, रखते हैं, या फिर उसको मधु के पक्ष में रखते हैं? कहते हैं वो अब नया प्रश्न आया कि स पुनः अपवर्ग कथम भवति। वो अपवर्ग मतलब 21 दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति कब होती है? 21 दुख याद रखिएगा कौन कौन से हैं जी, तो बता रहे हैं कब होती है, तो शास्त्राद विदित समस्त पदार्थ तत्व से, जब शास्त्र से संपूर्ण पदार्थों का तत्व विदित हो जाता है। क्या समझे? शास्त्र से पता चल जाता है क्या? संपूर्ण पदार्थों का तत्व पता चल जाता है। प्रमाण प्रमेय संशय और क्या था भाई? प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत और ये सब पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि सब जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जब तत्व विदित हो जाता है, पता चल जाता है, फिर क्या होता है? फिर आदमी देखता है, दोष देखता है, फिर इन सब विषयों में दोष देखता। विषय दोष दर्शनेन, विषय में दोष दर्शन होता है, फिर वो विरक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विरक्त। और मुमुक्षु हो जाता है। मुमुक्षु माने मोक्षो में भूयात, इस इच्छा वाला हो जाता है। क्या इच्छा होती है उसको? मेरा मोक्ष हो जाए। ध्यायिनः, ध्यान करता है उस परमात्मा का। फिर ध्यान परिपाक वशात, ध्यान का जब परिपाक हो जाता है, एकदम ध्यान पक जाता है, तब साक्षात कृत आत्मनः, आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। क्लेशहीन, और जो उसको क्लेश हो, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि क्लेश जो हैं, सब क्लेश उसके दूर हो जाते हैं। और निष्काम कर्म अनुष्ठानात, निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करता है। और जो आगत अनागत धर्माधर्म है, जो अभी धर्माधर्म पहले कर चुका है और जो आगे करेगा, आगत अनागत, आगत माने भूतकालिक, अनागत माने भविष्य काल के जो धर्माधर्म है, उनको अर्जयतः, उनका अब वो अर्जन नहीं करता, उनका ग्रहण अब नहीं करता है। और पूर्वोपात्तम, जो पहले कर चुका है धर्माधर्म के प्रचय को, समूह को, उसको योगार्थी प्रभावात, योग की रिद्धि से, सिद्धि के प्रभाव से विदित्वा, जान करके, समाहरित, समेट करके, भुंजानस, उसको मतलब भोग करके, पूर्व कर्म निवृत्ति, पूर्व कर्म की निवृत्ति हो जाने पर, वर्तमान शरीर का अपगम यानी नष्ट हो जाने पर, अपूर्व शरीर अभावात, अपूर्व मतलब नया शरीर का अभाव होता है, नया शरीर उसको नहीं मिलता, तो शरीर आदि जो 21 प्रकार के 21 दुख हैं, उनका संबंध नहीं होता, कारणाभावात, अब कोई कारण बचा ही नहीं है, इसलिए अब उनका संबंध दुखों का नहीं रहता है। इस प्रकार से अयम 21 प्रभेद भिन्न, किस प्रकार के भेदों से जो 21 प्रकार का दुख हानि है, दुख है, उसकी हानि को ही मोक्ष कहते हैं, इसी को अपवर्ग। समझ में आई कि नहीं? जी। तो प्रमाण हो गया, प्रमेय हो गया, अब आता है संशय। संशय किसे कहते हैं? तो एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना अवमर्था संशय, नाना नानार्थावमर्शः संशय। एक धर्मी में नाना प्रकार के जो अर्थ हैं, उन अर्थों का अवमर्श यानी ज्ञान होने लगना, यही संशय है। समझे कि नहीं? जी, इसको यहीं तक रहने दें, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं जी।
बहुत हो गया है।